नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगदेव और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बिल्कुल नए टाइप के फ्रॉड की जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आपके मोबाइल की सिम को हैक किया जाता है और उसके बाद ना तो आपको मोबाइल पर आने वाला ओटीपी का पता चलता है और ना ही अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब तक आपको सारी बातें समझ में आती है तब तक आपके सारे पैसे लुट चुके होते हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप जाते रहिए बैंक में धक्के खाते रहिए या फिर पुलिस के चक्कर काटते रहिए, क्योंकि फिर परेशानी ही परेशानी है। पैसे भी वापस आए या नहीं इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, जरूरी है सावधानी पहले बरती जाए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिम को हैक करते हैं और किस तरह से आपने इन लोगों से बचना है। इस पूरी चीज को ध्यान से सुनने के बाद मैं आपको अपनी तरफ से भी एक दो टिप्स दूंगा, वो भी आपने फॉलो करने हैं और अपने सभी फैमिली मेंबर और दोस्तों को इस चीज की जानकारी देनी है, ताकि किसी का भी बैंक में अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ना लुटे। तो मैं शुरू करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आजकल एक कॉल आप लोगों के पास आती है, जैसे आप कोई भी कंपनी का नंबर यूज करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, बीएसएनएल, कोई भी। तो जो भी बंदा आपको फोन करेगा वो आपको उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताएगा। जैसे मान लीजिए आप एयरटेल का नंबर यूज करते हैं तो आपके पास कॉल आएगा और वो बोलेगा कि मैं एयरटेल से बात कर रहा हूं और आपका नंबर बंद करने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। सर, क्या इस नंबर को बंद कर दे? हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि आपका नंबर लॉस हो गया है, कहीं खो गया है। तो आप बोलेंगे, नहीं सर, फोन तो मेरे पास है, मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। फिर वो बंदा आपको समझाएगा, मैनिपुलेट करेगा, आपको मजबूर करेगा यह सोचने के लिए कि आपके ही किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने कोई मजाक किया है और कॉल किया है कि आपका नंबर बंद कर दे। आप बोलेंगे, नहीं सर, नंबर तो मुझे चालू रखना है। वो फ्रॉड इंसान बोलेगा, ठीक है, अगर आपको नंबर चालू रखना है तो आपको कुछ डिटेल हमारे साथ साझा करनी होगी। वो आपसे पूछेगा कि आप अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस पता बता दीजिए। आप बोलेंगे, सर आपके पास यह सब कुछ ऑलरेडी होगा। फिर वो बोलेगा, हमारे पास तो है पर यदि आप मैच नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर आपका ही है, आप ही इसके मालिक है। तो आप सोचेंगे, नाम और एड्रेस में क्या फर्क आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बता देंगे। उसके बाद वो बोलेगा, ठीक है, आपकी डिटेल मैच हो गई है, चाहे आपने गलत थी क्यों ना बताया हो, वो फिर भी बोलेगा डिटेल मैच हो गई है। अब असली कहानी शुरू होती है, इस चीज पर ध्यान दे। वो बोलेगा कि आपके पास एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज को 121 पर फॉरवर्ड कर दे। सबको पता है कि 121 नंबर लगभग सारी कंपनियां इस्तेमाल करती है, तो मैसेज आपके पास आएगा, आप 121 पर मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास एक मैसेज और आएगा, उस पर लिखा होगा कि आप अपने नंबर को कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं तो एक दबाइए, अगर नहीं कंटिन्यू चालू रखना चाहते हैं तो दो प्रेस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप एक दबाएंगे और 121 पर सेंड कर देंगे। जितने टाइम भी आप उस फ्रॉड इंसान से बात कर रहे होंगे, जो अपने आप को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बता रहा होगा, उस इंसान ने और उसकी टीम ने आपके नंबर को उतने समय तक हैक कर दिया होगा। जैसे ही आप एक दबाएंगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, आउटगोइंग इनकमिंग फैसिलिटी बंद हो जाएगी, आपकी सिम जिस पर वो नंबर चल रहा था वो आपके फोन से उड़ जाएगा और वो नंबर उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जिन्होंने आपको कॉल किया था। अब आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा नंबर बंद हो गया है, कैसे हुआ, अब क्या करूं? तो आपको घंटा दो घंटा ज्यादा समय भी लग सकता है किसी भी कंपनी के ऑफिस पहुंचने में। जिस कंपनी का आप नंबर यूज करते हैं उनके ऑफिस में पहुंचकर आपका नंबर हैंड टू हैंड चालू तो हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं।
मिनिमम घंटा भर तो लग ही जाता है घर से ऑफिस तक पहुंचने में, घंटा तो इसी बात को समझने में लग जाएगा कि मेरा नंबर बंद कैसे हो गया। हम दूसरी सिम से कस्टमर केयर पर कॉल करने लग जाते हैं, तो अब होगा क्या कि जिन लोगों ने आपका नंबर चुरा लिया है वो तब तक वेरीफाई कर लेंगे कि आपका यह नंबर कितने बैंक अकाउंट पर रजिस्टर है। वेरीफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन से आपके नंबर पर बैंकों से ओटीपी आता है, पर आपका नंबर उनके पास होगा तो वो ओटीपी लेकर आपके सारे पैसे निकालेंगे, वो आपके अकाउंट को शून्य कर लेंगे। तो ध्यान रखें, कोई भी जानकारी किसी भी तरह की किसी को ना दें। कोई भी कॉल या मैसेज आता है कि हम फलाना कंपनी से बोल रहे हैं, आप यो सब फॉर्मेलिटी पूरी करें, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास यही कहकर कॉल आएगी कि आपका नंबर बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। आपके पास यो कहकर भी कॉल आ सकती है कि आपके मोबाइल पर नेटवर्क कम आता है। मोस्टली बहुत सारे यूजर्स को यो प्रॉब्लम रहती है कि उनके मोबाइल पर नेटवर्क कम रहता है, तो इस वजह से भी कस्टमर केयर वाले बनकर यो नकली लोग आपके पास फोन कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क बढ़ा दिया जाएगा, आपको बस अपने मोबाइल पर एक दो स्टेप्स पूरे करने हैं। तो कहने का मुद्दा यो है कि कोई भी कुछ भी कहकर ऐसी ठगी करना चाहे तो उसको बोलो, भाई तू भाड़ में जा, कबाड़ में जा, कहीं भी जा, मुझे एक भी जानकारी शेयर नहीं करनी है तेरे साथ। इस जरूरी जानकारी को दोस्तों अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई लूटने से पहले सचेत हो जाए। काफी लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं, बाद में वो समाधान ढूंढने के चक्कर में भटकते रहते हैं। दोस्तों, इसका कोई भी समाधान नहीं होता, तो जरूरी है कि ऐसे इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचाई जाए, यानी आप अपने देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ऐसी जानकारियां सबके पास जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करे। इसके साथ ही आप पहली बार यूबी न्यूज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आपसे जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।